नमस्कार दोस्तों, मुंबई से अभी आ रही है एक बड़ी खबर। भ्रष्ट और खूनी पूर्व पुलिस अफसर सचिन बाजे ने आज ईडी के सामने ये कबूला कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पे वसूली करते थे। दरअसल बात यह है कि ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटों को समन किया था, लेकिन अनिल देशमुख वहाँ पे नहीं गए, ईडी के ऑफिस वो नहीं गए और वो याचिका दायर करते रहे, पहले हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ताकि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो। उसके बाद ईडी के अफसर कोर्ट से परमिशन लेके जाते हैं तलोजा जेल, वहाँ पे वो मिलते हैं सचिन बाजे से और सचिन बाजे से आज पूछताछ होती है, जिसके बाद सचिन बाजे टूट पड़ा और उसने कबूल कर दिया कि अनिल देशमुख के कहने पे ही सचिन बाजे 100 करोड़ से भी ऊपर का जो वसूली है वो करता था। दोस्तों, रिपब्लिक भारत में भी ये न्यूज़ आ चुकी है कि सचिन बाजे ने मान लिया है कि अनिल देशमुख है उनके बॉस। पहले यही चीज परमवीर सिंह और बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन आज वो ऑफिशियली प्रूव हो चुकी है। उधर अनिल देशमुख ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्णय नहीं आता है तो वो ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट है उसके बाद ही वो ईडी के ऑफिस जाएंगे या ईडी के साथ वो बैठेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईडी बैठने वाली है, बहुत जल्दी अनिल देशमुख होंगे गिरफ्तार। वहां पे और एक बड़ी खबर ये आई है कि अनिल देशमुख के बेटों के नाम 300 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है। टाइगर गांव की 15 प्लॉट्स के बारे में जानकारी आई है, जो 15 प्लॉट्स अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख के नाम है और वो प्लॉट्स की टोटल कीमत है 300 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि गांव वालों को फोर्स करके जबरदस्ती उनसे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो छीनी जाती है, ये बोल के कि एक प्लांट बनाया जाएगा और जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है, अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख के नाम पे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि लास्ट साल सुशांत के मौत के बाद अगस्त महीने में जब कुपर अस्पताल के डॉक्टर्स को ये पूछा गया था कि आप लोगों ने सुशांत की जो पोस्टमार्टम है वो आपने क्यों ठीक से नहीं की, तब इस पे कुपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये बोला था कि पुलिस ने उनको हड़बड़ी में सुशांत का जो पोस्टमार्टम एनालिसिस है वो करने के लिए बोला था, जिसके कारण काफी सारे चीजों को ओवरलुक करके कुपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हड़बड़ी में सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। तो उस वक्त पुलिस में कौन था, परमवीर सिंह के ऑर्डर्स थे और परमवीर सिंह को अनिल देशमुख ऑर्डर देता था। तो अनिल देशमुख, परमवीर सिंह, सचिन बाजे, ये सारे लोग सुशांत के मौत के साथ वास्ता रखते हैं और बहुत जल्द सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर जो है वो आएगा अनिल देशमुख का, उसके बाद परमवीर सिंह जो अभी छुपे हुए हैं सिक लीव लेके, वो उनके गांव जाके छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके बाद काफी बड़े नाम निकल के आएंगे, बहुत सारे मंत्रियों के नाम निकल के आएंगे, पेंगुइन और बेबी पेंगुइन के नाम भी निकल के आएंगे। दोस्तों, अब मामला गर्म हो चुका है, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।